मेरठ में हिंदू बस्ती के लोगों को बरगलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को मंगतपुरम बस्ती के लोग एसएसपी दफ्तर पहुंचे। बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। पुलिस दफ्तर पहुंचे भाजपा मेरठ महानगर मंत्री दीपक शर्मा ने कहा कि मंगतपुरम बस्ती में रहने वाले लोगों को बेला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदू से ईसाई बनने का दबाव डाला जा रहा है। बस्ती वालों ने करीब 400 लोगों के ईसाई बनाने के लिए मजबूर करने के बारे में बताया, जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है। अगर वो गुमराह हुए हैं तो उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा। बस्ती वालों ने बताया कि ये पूरा खेल कोरोना काल से 2 साल पहले लॉकडाउन के वक्त शुरू हुआ। बस्ती के लोगों के पास पैसे और काम की परेशानी थी, तब कुछ ईसाई लोग हमारी बस्ती में आ गए। उन लोगों ने हम लोगों को खाने पीने का सामान दिया, कुछ लोगों को पैसे देकर मदद की। जब हम लोग उन पर भरोसा करने लगे तो ईसाई धर्म बदलवाने के लिए कहने लगे, बस्ती में अस्थाई चर्च पर भी बनाने का आरोप लगाने लगे। ये जो आप मेरे पीछे जो जनसमूह देख रहे हैं, इनमें माता और बहनें भी हैं। ये विषय ये है कि ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सीओ ब्रह्मपुरी सर्किल है और मुकुट महल होटल के पीछे एक मलिन बस्ती है मंगतपुरम। वहाँ पर ये सब लोग गरीब लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हिंदुत्व के मानने वाले हैं। वहाँ पर लॉकडाउन के समय कुछ क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ एक इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर इनको लालच देकर कुछ पैसे देकर इनको धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। और वहाँ पर अगर आप जब लोग जब जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ा चर्च भी बना दिया है। ये एक बड़ा विषय है मेरठ जैसे शहर में, इतने संवेदनशील शहर के अंदर अगर इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को नहीं देख पा रही है और वहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा विषय बन गया है। अब समस्या इन लोगों की क्या है कि पहले तो कुछ पैसे का लालच और भुखमरी के कागार पर तो कुछ खाना भोजन भी मिलता रहा, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि इनके देवी देवता ये अपने घरों से बाहर फेंक दें और 100% क्रिश्चियन हो जाएं, जो ये 100% स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंगतपुरम बस्ती में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर पूरी कहानी बताई गई। एसएसपी दफ्तर पहुंचे हैं ये लोग और इन्होंने बताया कि जबरन इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इन्हें ईसाई धर्म कबूल करने के लिए कहा जा रहा है। मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंगतपुरम बस्ती में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था। फिलहाल ये सभी लोग आपको बता दें कि एसएसपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। मेरठ में हिंदू बस्ती के लोगों को बरगलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया। शुक्रवार को मंगतपुरम बस्ती के लोग एसएसपी दफ्तर पहुंचे। बस्ती के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। पुलिस दफ्तर पहुंचे भाजपा मेरठ महानगर मंत्री दीपक शर्मा ने कहा कि मंगतपुरम बस्ती में रहने वाले लोगों को बेला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदू से ईसाई बनने का दबाव डाला जा रहा है। बस्ती वालों ने करीब 400 लोगों को ईसाई बनाने के लिए मजबूर करने के बारे में बताया है, जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है। अगर वो गुमराह हुए हैं तो उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा। बस्ती वालों ने बताया कि पूरा खेल कोरोना काल में 2 साल पहले लॉकडाउन के वक्त शुरू हुआ। बस्ती के लोगों के पास पैसे और काम की परेशानी थी, तब कुछ ईसाई लोग हमारी बस्ती में आ गए। उन लोगों ने हम लोगों को खाने पीने का सामान दिया, कुछ लोगों को पैसे देकर मदद की। जब हम लोग उन पर भरोसा करने लगे तो अब ईसाई धर्म बदलवाने के लिए कहने लगे, बस्ती में अस्थाई चर्च भी बनाने का आरोप लगाया। मंगतपुरम बस्ती में धर्म परिवर्तन का ये खेल खेला जा रहा है और बस्ती वालों की अगर माने तो 400 से ज्यादा लोग अभी ईसाई धर्म अपना चुके हैं। को लेकर आए।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है? राजू, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये धर्मांतरण से जुड़ा मामला है। मेरठ का ये मामला सामने आया है, जहाँ पर एक मंगतपुरम कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर 400 लोगों को जबरदस्ती तरीके से धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, ईसाई बना दिया जाता है, साथ ही जो है ये चर्च में उनसे प्रार्थना करने के लिए भी दबाव बनाया जाता है। पूरा प्रकरण 2020 से शुरू हुआ था, जब कोरोना काल लगा हुआ था, उस दौरान कुछ लोग मलिन बस्ती में पहुंचते हैं और लोगों को खाना मुहैया कराते हैं, कपड़ा मुहैया कराते हैं और तरह तरह के उन्हें प्रलोभन देते हैं। उसके बाद उन्हें लालच देकर, पैसों का, मकान का, इस तरह के लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। कुल मिलाकर ये मंगतपुरम जो कॉलोनी है, ये मलिन बस्ती क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 550 लोग रहते हैं, जिसमें से 400 लोगों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब जो 150 लोग बचे हैं, उन्हें जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने हिंदू संगठन के लोगों के साथ SSP ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, विरोध दर्ज कराया और बताया कि किस तरह से कुछ लोग इस पूरे गैंग को चला रहे हैं और धर्म परिवर्तन लोगों का जबरन करा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो मेन पहलू निकल कर आया है, वो ये निकल कर आया है कि कुछ दिल्ली के लोग हैं, एक महेश नाम का व्यक्ति है, एक अनिल नाम का व्यक्ति, ये दोनों लोग 2020 में यहाँ पर लोगों के पास आए और उन्हें खाना उपलब्ध कराने का बहाना बनाकर उन्हें अपने झांसे में ले लिया और धीरे धीरे एक एक दो दो कर सभी का उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। एक स्थायी चर्च भी वहां पर बना दिया गया झोपड़ी डालकर, उसमें लोगों से प्रार्थना करने की रोज अपील की गई, खुद वहां पर पहुंचे और लोगों से प्रार्थना कराई। लेकिन कुल मिलाकर जब इस पूरे धर्मांतरण के जो मामला था, इसका पूरा भंडाफोड़ हुआ, तो मेरठ पुलिस के जो पैरों की जमीन थी वो भी खिसक गई। उस पूरे मामले की जानकारी मिल रही, इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग की जितनी भी टीम थी वो मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी है। प्रयास किया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से इतना बड़ा बन गया। राजू जी, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, चर्च बनाने का भी आरोप लगा दिया गया है कि अस्थायी जगह पर चर्च बना दी गई है, इसको लेकर पुलिस अब किस तरीके से आगे एक्शन लेगी, क्योंकि 400 लोगों के धर्म परिवर्तन पहले ही हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मेरठ पुलिस ने जो है इसमें प्राथमिकता दर्ज कर ली है, 2-3 लोगों को इसमें नामजद किया गया है, उनके तलाश में जगह जगह दबिशें दी जा रही है, साथ ही कई पहलुओं पर यह भी काम किया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कैसे हो गया, कौन वो लोग हैं जिन्होंने उस पूरी योजना बनाई धर्म परिवर्तन की और इतने सारे लोगों का, लगभग 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, इस पर भी जो है मेरठ पुलिस काम कर रही है। साथ ही इंटेलिजेंस की बात करें, खुफिया विभाग की बात करें, तो वो भी तमाम जो टीमें हैं वो जुटी हुई है, उन आरोपी पहुंचने का प्रयास कर रही है जिन्होंने इतना बड़ा जो धर्म परिवर्तन का जो ये मामला है मेरठ में कर दिया है। आखिर इसके पीछे उनकी क्या वजह थी, इस पूरे जो है ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि 400 लोगों को का अभी तक धर्म परिवर्तन किया जा चुका है और बस्ती में अस्थाई चर्च बनाने का भी आरोप लगाया गया है इन बस्ती वालों द्वारा।